तो एक और खबर इंदौर से, जहां दो बदमाशों से चोरी की 10 बाइक बरामद की गई हैं। तो बड़ी खबर कि दो बदमाशों से 10 चोरी की बाइकें बरामद की गई हैं। इन बरामद बाइकों की कुल कीमत 8 लाख रुपए आकी गई है। चोरी की बाइक से घूम रहे थे दोनों बदमाश, जिस वक्त पुलिस ने आरोपी संतोष सेंगर और संतोष अलावा को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने 10 बाइकों को बरामद किया। इनमें से एक बदमाश के पास देशी कट्टा और 12 बोर का एक जिंदा कारतूस भी मिला है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस की ये कार्रवाई है, जहां पुलिस ने दो बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 बाइक बरामद की है। 10 बाइकों के साथ एक देसी कट्टा और 12 बोर का एक कारतूस भी बरामद किया गया है। हैरत की बात है कि ये दोनों चोर चोरी की बाइक पर ही घूम रहे थे, जिस वक्त पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और उसके बाद पूछताछ के बाद इनसे खुलासा हुआ कि इनने 10 बाइक चोरी की है, जिन्हें पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही चोरी की गई बाइकों की कीमत 8 लाख रुपए आकी गई है। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 10 बाइक चोरी की थी। इन बाइकों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और अन्य जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी भारत पाटिल जुड़ चुके हैं। भारत, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो बदमाशों को 10 बाइकों के साथ बरामद किया है, क्या जानकारी? मामला राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को मुख्य सूचना मिली थी, तो ऐसे बदमाश है जो कम कीमतों में जो गाड़ी है वो बेचना चाहते हैं। ऐसे में टीम नियुक्त कर गई थी राजेंद्र नगर थाना प्रभारी सुनील वेसरे के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई और दो ऐसे आरोपियों को पकड़ा गया जो कि इन गाड़ियों को ले जाए ग्रामीण इलाकों और आसपास के इलाकों में कम औनत पूरे दाम में बेचा करते थे, महंगे शौक पूरे करने के लिए जो है पूरे वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल अब तक अगर बात की जाए लाखों रुपए मूल्य की 36 गाड़ियां इनसे पूछताछ में पता चली, जिसमें से 10 गाड़ियां पुलिस ने बरामद कर ली है। इनके पास एक देसी कट्टा भी आरोपी के पास मिला है। फिलहाल दोनों को न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया जाएगा, रिमांड में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।